गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखते हैं केमिस्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो देखते हैं किस तरह से होती है। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। इन तीन क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाएंगे हम आपके सामने। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इस तरह से इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए इस तरह से पैटर्न बनाना पड़ता है पहले। या याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक से लेके सेवन तक लिखना होता है, इधर इधर टू से लेके सेवन तक, इधर थ्री से लेके सिक्स तक, इधर फोर से लेके फाइव तक। तो इसमें क्या करना होता है, जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे कट लगाते हैं इसमें, इस तरह से कट लगा के चलते हैं। जब इस तरह से कट लग जाते हैं, देखिए ये कट इस तरफ को जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस तरह से ये पीछे को वापस लौट रहे हैं फिर से, और इधर से यहाँ पीछे के वापस लौट रहे हैं। तो ये ऐसे करके घूमते घूमते इसे स्नैक की तरह हो जाते हैं ये। तो देखिए क्या क्या इसमें क्या है, एस फर्स्ट वाले में एस है, सेकंड वाले में पी, इसमें डी और एफ, एस पी डी एफ। तो क्या होता है, एस पी में इसके टू ऑर्बिटल होते हैं, इसमें टू ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं, इसमें सिक्स, इसमें टेन और इसमें फोर्टीन ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसे लिख लेते हैं किस तरह से ये लिखा जाता है। तो यहाँ लिखिए, देखिए वन एस टू, फिर उसके बाद यहाँ टू एस टू, वन एस, फिर टू एस, फिर टू पी, फिर थ्री एस, फिर यहाँ से फिर चालू हो जाएगा, यहाँ ऐसे होगा चालू। ये देखिए कैसे, वन एस, टू एस, टू पी, ये 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, 5s, फिर 4d, 4d के बाद 5p, फिर 6s, फिर 4f, 5d, फिर 6p, फिर 7s, उसके बाद 5s, 6d और 7p। अब देखिए जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो किसमें कितने ऑर्बिटल फिल होते हैं वो देखा जाता है। तो मैंने लिख रखा है पहले से, जितने भी s ऑर्बिटल होंगे उसमें दो ऑर्बिटल फिल होंगे, और पी वाले में सिक्स। कहने का मतलब, देखिए चार लोग आए हैं दावत के लिए, सपोज मानिए एस वाले जो लोग हैं जिसका एस से नाम शुरू है उसको सिर्फ दो पूड़ी दी जाएंगी, और पी वाले को सिक्स दी जाएंगी, और डी वाले को टेन दी जाएंगी, और एफ वाले को फोर्टीन दी जाएंगी। इस तरह से समझ लीजिए। अब देखिए जिसमें जहाँ जहाँ एस पी और डी एफ है तो इस तरह से लिखना होगा, दो पूड़ी, सिक्स पूड़ी, टेन पूड़ी और फोर्टीन पूड़ी, इस तरह से समझिए। अब देखिए ये तो मैंने लिख लिया, ये तो लिख लिया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है के इज इक्वल टू 19, पोटेशियम कितने पे आता है, 19 नंबर पे आता है। अब मुझे इसके ग्रुप पीरियड और ब्लॉक बताना है क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ करते हैं हम, के इज इक्वल टू 19, के इज इक्वल टू 19 है, तो के इज इक्वल टू 19 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
19 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। अब देखिए जब ये लिख लिया मैंने, अब s वाले को कितना देना है, क्या लिखा है, 2 पूड़ी, p वाले को 6, d वाले को 10, f वाले को 14। तो s वाले को कितनी, 2, इसे कितनी, 2, p वाले को 6, s वाले को 2 और p वाले को 6, s वाले को 2 और d वाले को 10, d वाले को 10। अब देखिए जब d वाले को 10 दे दी, अब इन्हें जोड़ लिए ताकि मालूम पड़ जाए कि हाँ ये 19 हो गए। तो जोड़ते हैं कितने हो गए, 2 2 4 6 10 12 6 18 18 1 2 20, 20 हो गए। ये देखो एक्स्ट्रा आ गया पूड़ी खाने के लिए, इसे हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 हैं तो इन्हें एक ही मिलेगी, क्योंकि तुम एक ही लायक हो तो यहाँ इसे एक मिलेगी। अब देखिए इसके हमें ग्रुप निकालना है, पीरियड निकालना है और ब्लॉक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें लिखिए ग्रुप पीरियड और ब्लॉक। तो ग्रुप, अब देखिए इसमें देखना है, ये तो कैंसिल है, इसे कट कर दीजिए, भगा दीजिए इसे। अब देखिए इसमें ब्लॉक क्या होगा, एस ब्लॉक क्या होगा, एस ब्लॉक होगा। अब पीरियड कितना होगा, फोर्थ पीरियड, कितना, फोर्थ पीरियड। अब एस के ऊपर कितने ऑर्बिटल हैं, 1, एस के ऊपर कितने ऑर्बिटल हैं, 1, तो ग्रुप कौन सा होगा, 1 ग्रुप का ये एलिमेंट है। और पीरियड कौन सा है, फोर्थ, और ब्लॉक कौन सा, एस। देखिए ग्रुप ऐसे होते हैं, इधर से चलें, और पीरियड होते हैं वो इधर से चलें। तो पीरियड इधर से देखोगे तो फोर्थ पीरियड होगा, इधर से देखोगे तो फोर्थ पीरियड होगा, ग्रुप 1 होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम देखते हैं। एल्युमिनियम है 13, तो करिए कॉन्फ़िगरेशन, 1s 2s 2p 3s 3p और 4s। अब इसके अब कितनी कितनी बटेंगी, तो देखिए 2 2 6 2 6 और 2। अब जोड़िए ने, 2 2 4 10, 10 2 12, और ये तो ज़्यादा हो गई, ये फिर से एक्स्ट्रा आ गए, मैंने हटाओ यहाँ से। अब यहाँ कितनी हो गई, यहाँ 12 हो गई। अब यहाँ पी पे कितने रह गई, 1, कितना रह गया, 1 रह गया यहाँ। देखिए ग्रुप निकालिए अब इसका, और पीरियड निकालिए और ब्लॉक निकालिए, और ब्लॉक निकालिए। अब देखिए ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक का ऑर्बिटल है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब पीरियड कितना है, थर्ड पीरियड का, ये कितने का, थर्ड पीरियड का है। अब पी, अब यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। अब लेकिन ये ग्रुप 1 का एलिमेंट तो है नहीं भाई, ग्रुप 1 का एलिमेंट तो है नहीं, इसमें कितना प्लस करना होगा, 12 करना होगा प्लस, फिर ये कितने का, 13 नंबर पीरियड का ये वो होगा एलिमेंट ये। तो देखिए ये 13 नंबर का एलिमेंट कैसे हुआ, हालांकि मैंने 12 ही क्यों किए। देखिए एस पी और डी और एफ, इसमें क्या क्या होता है,
इसमें जितना भी जो ऊपर आता है, जिसकी पावर आती है, उसमें कुछ प्लस नहीं करना होता है, जो होता है वही लिख दिया जाता है। अब पी की बात की जाए तो इसमें 12 प्लस करने होते हैं जो ऊपर आए उसमें, ठीक है। और डी की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो करने होते हैं, कितने? दो। पी वाले में 12, डी वाले में 2 करने होते हैं। तो इस तरह से यहाँ 12 प्लस करके 13 आएगा इसका गुरफ। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और, कौन सा? Fe26। तो देखिए Fe26, Fe26 तो क्या आएगा? वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, थ्री पी, और फोर एस, और थ्री डी, और थ्री डी। देखिए अब थ्री डी और फोर पी और ले लेते हैं भाई। इस पे टू, इस पे टू, इस पे सिक्स, इस पे टू, इस पे सिक्स, इस पे टू, और इस पे सिक्स, और इस पे सॉरी इस पे 10 और इस पे सिक्स, ठीक है। जोड़िए ने 2 2 4 6 और 10 12 6 18 20 और 10 30, और 30 और 6 36 हो गए। तो भाई तो मिस्टेक हो गई। देखिए अब 2 4 6 10 12 18 20, और यहाँ इसमें से माइनस कर दिए, यहाँ इनको 6 नहीं दिए जाएंगे, यहाँ 6 लिख लीजिए और इसे कट कर दीजिए, ज़्यादा लोग आ जाते हैं कभी कभार। तो देखिए यहाँ 6 हो गई। अब इसकी ग्रुप ऑफ पीरियड और ब्लॉक निकालते हैं। ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक निकालते हैं। देखिए अब हमें इन दोनों में देखना है, दोनों में देखना है, हालांकि करना है इसी से, लेकिन इसमें क्या करना है? डी ब्लॉक का लिए ब्लॉक है ये, कौन सा? डी ब्लॉक। पीरियड कौन सा है? थर्ड पीरियड नहीं है भाई, इसमें पीरियड लिखना होगा फोर्थ पीरियड। कौन सा? फोर्थ पीरियड। आपको दोनों में देख के चलना है। यहाँ भी क्या देखो, यहाँ देखोगे तो इसमें भी थ्री, इसमें भी थर्ड ही है और इसमें भी थर्ड। ऊपर वाले में देखिएगा, इसमें थर्ड या फोर्थ, तो यहाँ फोर्थ वाला ही लिखा जाएगा। क्यों? इन दोनों में देखो जो बड़ा है वो लिखा जाएगा, दो में देखिए जो बड़ा है वो ही लिखा जाएगा। अब देखिए जो इसमें बड़ा है ना वो ही लिखेंगे हम। अब यहाँ हो गया। अब डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट जोड़ते हैं? यहाँ सिक्स है, सिक्स, और प्लस के दो, प्लस के कितने? दो जोड़ते हैं तो कितना हो गया? एट। ये एट ग्रुप का एलिमेंट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। एन ए ले लीजिए, एन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, तो इसका कितना एलिमेंट है? सेवन। अब इसकी कीजिए वन एस टू, टू एस टू, और टू पी सिक्स, तो कितने हो जाएंगे? एट, तो यहाँ फाइव हो जाएंगे। अब देखिए इसकी ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालते हैं। इसकी ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक निकालते हैं। तो ब्लॉक कौन सा होगा? पी ब्लॉक हो जाएगा। पीरियड कौन सा होगा? इन दोनों में देखिए कितना है, इसमें भी टू, इसमें भी टू, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? दो आ जाएंगे। अब पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक है, तो इसमें कितने? 12 प्लस करने हैं। ऊपर कितने? 5, तो 12 प्लस 5 क्या आ गया? 17। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम की कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कृपया ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और शेयर करें वीडियो को ताकि आपके दोस्त दोस्तों के साथ सही से सही बात पहुंच सके। जय हिंद।